वेलकम टू अद्दू एंड मम्मा। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगलोर स्टाइल में कच्चे केले की सब्जी। ये ड्राई सब्जी होगी। सबसे पहले हमें केले के छिलके निकालने हैं। इसे हमें पतले से निकालने हैं, मोटे मोटे स्किन नहीं निकालने हैं। ये देखिए, आप ऐसे खींचेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। फिर जो बचते हैं उसे हम नाइफ से थोड़ा सा काट कर ऐसे फिर से इसको खींच कर निकालेंगे। और इसमें थोड़ा सा स्किन रह जाता है, वो वैसे ही रहना चाहिए। देखिए, ये ऐसे दिखता है स्किन निकालने के बाद। फिर हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, इसके पीसेस इतने बड़े रहने चाहिए। इसको एक बार पानी में धोएंगे। अब हम सबसे पहले तड़का लगाएंगे। ये थोड़े से तेल में मैंने एक चम्मच राई डाला है। इसमें हम बारीक कटे प्याज डालेंगे एक, और थोड़े से कड़ी पत्ते और तीन लहसुन की कलियां जिसको हमने स्मैश किया है, और थोड़ा सा हींग। इसको ब्राउन होने तक तलेंगे। अब हम इसमें केले के पीसेस डालेंगे और आधा ग्लास पानी और थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढककर पकाएंगे। ये जल्दी पक जाते हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। मैंने यहाँ लिया है थोड़े से मेथी के दाने, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, दो चम्मच धनिया, तीन बेड़गी मिर्च और तीन तीखी मिर्च। आप कोई भी मिर्च इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर हम इसको एक मिक्सर में डालकर पीसेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा पाउडर होने के बाद हम इसमें डालेंगे इमली, थोड़े से 3-4 लहसुन की कलियां, आधा प्याज। मैंने यहाँ आधा कच्चा नारियल के पीसेस लिए हैं, इसको भी हम मिक्सी में डाल के पीसेंगे। आधे चम्मच हल्दी पाउडर के साथ। और ये देखिए, ड्राई ग्रेवी रेडी हो गया है। इसे सिर्फ दरदरा पीसना है। ये देखिए, ये केले भी पक गए हैं। ये 2 मिनट में ही पक जाते हैं। उसमें ये मसाला डालकर हम मिक्स करके इसको फिर से ढक्कन लगा कर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना है। गैस के फ्लेम को स्लो रखिए। ये देखिए, 2 मिनट में कच्चे केले की सब्जी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेसिपी के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे क्लिक करना है। और उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे क्लिक करना है।